हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 1194 ग्राम प्रधान के पद हैं। जैसा कि आप सबको अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान का रिजर्वेशन की यूनिट ब्लॉक होती है और ग्रामीण आबादी के सापेक्ष हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रथम कार्रवाई होती है वो आरक्षण की कार्रवाई होती है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग ग्राम प्रधानों के पदों का अलॉटमेंट करते हैं। सर्वप्रथम 58,194 ग्राम पंचायतें जो हैं पुनर्गठन के बाद सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए बनाई गई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल 330 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 330 पद में 199 पद जो हैं वो अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए व 131 पद जो हैं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में 826 विकास खंडों में 565 विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति निवास करती है और उसी के हिसाब से उन सभी विकास खंडों में हम लोग के द्वारा पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट में कुल जो पद हैं वो 7757 पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 4288 शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 12,045 पद आरक्षित किए गए, जिसमें महिलाओं के लिए 4288 व पुरुष के लिए 7757 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वो है 15,712, जिसमें पुरुष के लिए जिसमें पिछड़ा वर्ग पुरुष 10,211 व महिलाओं के लिए जो है 5,501, और इसी प्रकार सामान्य जो स्त्री पद आरक्षित हुए हैं वो है 9,739। इस प्रकार कुल जो है हम लोग के अनारक्षित पद जो हैं 58,194 में वो 20,368 पद अनारक्षित हैं। ये सभी विकास खंडों द्वारा जो प्रधान यूनिट प्रधान की आरक्षण की यूनिट होती है वो ब्लॉक होता है, तो निदेशालय द्वारा हर ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायत के सापेक्ष कितने पद किस कैटेगरी में होंगे आज ये जारी कर दिया जा रहा है, और इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उन कैटेगरी के सापेक्ष जो है ग्राम पंचायतों का आवंटन वहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। 2021 में जब हम